नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों। किसान सुखत की मांग को लेकर जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ गरियाबंद जिले के बैनर तले धान में सुखात की प्रावधान करने एवं प्रासंगिक सुरक्षा व्यय एवं धान खरीदी में कमीशन की राशि में वृद्धि करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री के नाम से SDM को ज्ञापन महारैली निकाल कर सौंपा गया। सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया, एक दिवसीय ज्ञापन रैली निकाल कर अपनी 4 सूत्री मांग को ज्ञापन द्वारा दी गई है। अगर उसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के विचार का निर्णय नहीं लिया गया तो हम सब समिति कर्मचारी खान खरीदी से पृथक हो। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज एक दिवसीय ज्ञापन रैली है, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को सौंपा जाना है, जिसमें हमारी 4 प्रमुख मांगे है। धान में सूखा देना होगा सुरक्षा, प्रासंगिक व्यय धान खरीदी में प्रति क्विंटल बढ़ाना होगा, प्रति क्विंटल कमीशन 50 रूपए और प्रासंगिक एवं सुरक्षा व्यय राशि 30 रूपए बढ़ाना होगा। तीसरी मांग है हम लोग का नवीन समिति में सीधी भर्ती को बंद कर समिति में कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नति किया जाए। चौथा मांग है कर्मचारी को 15-16 महीने से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए शासन प्रबंधकीय अनुदान का प्रावधान किया जाए। मांगे नहीं पूरी होने पर क्या करेंगे आप? अगर धान में सूखा की मांगे पूरी नहीं होने पर हम लोग धान खरीदी से इस वर्ष प्रतिघत कर्मचारियों की पदोन्नति